नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी पानीपत पर चौथी लड़ाई। जी हां, पानीपत की तीसरी लड़ाई तो 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी, लेकिन करीब 300 साल बाद पानीपत एक बार फिर से जिंदा हो गया है। आशुतोष गोवरकर ने जब पानीपत की जंग को फिल्मी पर्दे पर उतारा तो एक पल को ये जहन में शायद नहीं आया होगा कि फिल्मी पर्दे की ये जंग जमीन पर उतर आएगी। फिल्म पानीपत के पोस्टर ने जब सिनेमा हॉल में जगह ली, पर्दे पर फिल्में रिलीज हुई तो राजस्थान की मिट्टी पर पानीपत की एक नई जंग शुरू हो गई। ऐसे में सवाल ये है कि महापुरुषों का गलत चित्रण करने वाली फिल्मों पर क्या प्रतिबंध लगना चाहिए? हाथों में विरोध की तख्तियां लिए जाट समुदाय राजस्थान की सड़कों पर है। विरोध की आग में आशुतोष गोवरकर की पानीपत जल रही है। सड़क से लेकर सूबे के सिनेमा घरों में विरोध का शोर है कि महाराजा सूरजमल के अपमान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर करेंगे चर्चा। सड़कों पर विरोध का ऐलान, नहीं सहेंगे महाराजा का अपमान। जाती है तो जाए जान, बंद करो पानीपत फिल्म, बंद करो। इतिहास ने जिसको खुद लिखा है, तारीख जिस पर इतराई है, राजस्थान की धरती जिस पर गर्व करती है, जिसके नाम पर हवाएं सीना तान के चलती हैं, जिसके गुमान में गुम है राजस्थान के रजवाड़े, उन्हीं महाराजा सूरजमल को किया गया किनारे। नहीं सहेंगे महाराजा का अपमान। जाती है तो जाए जान, बंद करो पानीपत फिल्म, बंद करो। विरोध के लाउड स्पीकर में गूंजती ये आवाज राजस्थान के जाटों की है, इतिहास समेटे जाबाजों की है, हिस्ट्री की मिस्ट्री सुलझाने सरकार सामने आई है। आर्ट कल्चर का सब सम्मान करते हैं, परंतु किसी की भावना ठीक भी नहीं पानी चाहिए। इसलिए हमने कहा संदेश हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ में बातचीत हो, रास्ता से निकले कि समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, वो कन्विंस हो जाए, उसके बाद फिल्म चले, ज्यादा बेटर रहेगा। सम्मान की इस जंग में मंत्री शामिल हैं, दरबार शामिल हैं, दरबारी शामिल है। पानीपत फिल्म में उस महाराजा सूरजमल को ललकारा गया है जिसके शौर्य से सूरज भी कांपता था। लिहाजा राजस्थान की आन, रजवाड़ों की शान, जाटों के गुमान, महाराजा सूरजमल का नहीं सहेंगे अपमान। जाती है तो जाए जान, बंद करो पानीपत फिल्म, बंद करो। पिक्चर तो रिलीज हो गई, इसको कानूनी तरीके से किस तरीके से वापस बना सकते हैं, जल्दी से जल्दी उसको फिल्म पानीपत सवालों के समंदर में डूब रही है, विरोध की आग में जल रही है। राजस्थान में फिल्म के शो रद्द कर दिए गए हैं। सम्मान की छाती पर चढ़े सवाल कहते हैं कि हम तारीख के सूरमाओं का नहीं सहेंगे अपमान। जाती है तो जाए जान, बंद करो पानीपत फिल्म, बंद करो। ऐसे में सवाल है कि क्या महापुरुषों का गलत चित्रण करने वाली फिल्मों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? दूसरा सवाल कि विरोध का ये तरीका कितना जायज है? शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। सवाल दोनों ही तरफ उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से महापुरुषों का चित्रण फिल्मों में गलत तरीके से किया जाता है, क्या वो सही है? क्या इसको नहीं खत्म करना चाहिए? क्या ऐसी फिल्मों को नहीं बनाना चाहिए? सवाल ये भी है कि अगर कोई सीन ऐसे आते हैं तो सेंसर बोर्ड से होकर गुजरते हैं, सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए? दूसरा सवाल ये है कि सड़कों पर जो संग्राम के जरिए इस फिल्म पर बैन लगाने का जिक्र किया जा रहा है, क्या ये तरीका सही है विरोध का? क्या ये तरीका गलत ठहराया जाए? क्योंकि एक तरीका होता है, कानून होता है, सेंसर बोर्ड होता है, सड़क पर तय नहीं होगा कि कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय उसके बाद इस बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अनुराग हर्ष जी,
वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जयंतीलाल खंडेलवाल, इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हैं, महिपाल महला जी प्रवक्ता हैं, आरएलपी से हमारे साथ शामिल हैं, गजेंद्र चौहान जी फिल्म निरीक्षक हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत डिबेट में शामिल होने के लिए। इतिहासकार हो, फिल्म समीक्षक हो, इन सबको जोड़ने का एक ही उद्देश्य है कि हम गहनता से समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास क्या कहता है और फिल्मकार आज की डेट में क्या कर रहे हैं। अरुण हर्ष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगी। ये जो विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाकी का डिस्कशन हम आगे करेंगे कि क्या सही क्या गलत, लेकिन क्या ये विरोध का तरीका सही है? क्या ये विरोध होना चाहिए इस तरीके से? इस पूरे विरोध के आप मायने क्या देख रहे हैं? पहले पद्मावत, अब पानीपत। ये देखिए, जिस तरह से बार बार फिल्म मेकर जो हैं, जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, वो जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को लेकर आते हैं जहां पर विरोध हो। जब आप मेरे पिताजी का विरोध करेंगे, मेरे दादाजी का विरोध करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं उग्र रूप से सामने आऊंगा। इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी होती है, अपने आप को हीरो बनाने का काम भी होता है, वो सब दूसरे तरह के वो है। लेकिन मुख्य उद्देश्य फिल्म मेकर का भी यही है कि इस तरह की फिल्म अगर बनेगी तो वो कहीं ना कहीं जाकर लोगों के बीच में हिट होगी। पद्मावती का खूब विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध हुआ, उसके बाद फिल्म खूब चली। आज हम पानीपत का विरोध कर रहे हैं, आज जब इसका विरोध हो रहा है तो हो सकता है हाँ बेल लग जाए, लेकिन बाद में फिल्म भी चलेगी। कहने का अर्थ यह है कि उनका उद्देश्य यही है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें इस तरह की फिल्मों से बचना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हो। क्या जरूरी है आपको किसी को भी गलत तरीके से या अच्छे तरीके से पेश करने की? देश में महात्मा गांधी के लिए लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, आज से 100 साल बाद में हो सकता है अभी जो नेता है उनके लिए बहुत कुछ बोले, तो क्या हमें तोड़ मरोड़ के या जो कुछ भी उसको पेश करने की कहां जरूरत है? दो पक्ष हमेशा होते हैं, एक पक्ष को खुश करना और एक पक्ष को विरोध में रहना शायद सही नहीं है। चलिए सर, मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे सहयोगी देवेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं भरतपुर से, वहां पर इस वक्त क्या हालात है, क्या प्रदर्शन, कितना विरोध देखने को मिल रहा है, एक कमेंट मैं उनसे लूं, उसके बाद मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। देवेंद्र, इस वक्त ताजा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए लक्ष्मी, आज पूरे दिन भरतपुर में प्रदर्शन रहा, भरतपुर बंद रहा। हमारे साथ इस वक्त बहुत कुछ लोग मौजूद हैं, जिसमें जाट भी शामिल हैं, वैश्य भी शामिल हैं, ब्राह्मण भी शामिल हैं। अपने महाराजा के अपमान को लेकर सभी वर्गों के लोग एक साथ हैं, इन सबसे हम बात करेंगे। कोई पर्चे का मोहताज नहीं है, कई युवा हैं, सभी के सभी, और इन सबके मन में आक्रोश है। आप बताइए किस तरह का विरोध आप आज जो देखने को मिला, किस तरह की विरोध किया? पहले पानीपत को लेकर हम बहुत लोग आक्रोशित हैं इसमें, और इसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये बहुत हमारे हृदय सम्राट महाराज सूरजमल जी का अपमान हुआ है इसमें, और इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन जी, हमारे राष्ट्रीय जाट एकता संगठन का पूरा समर्थन है इस विरोध में, और महाराज सूरजमल हमारी आन वान शान है, उनकी शान के लिए हम कुछ भी करेंगे। आप बताइए, आप बताइए। मैं राष्ट्रीय जाट एकता संगठन में आर्यन चौधरी हूँ और राष्ट्रीय सचिव पद पर हूँ। जो महाराज सूरजमली अनबन शान में जो भी इन्होंने हिमाकत की है, जो जरूरत की है, और जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम सड़क पर तक उतारू होने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम सत्यवीर है, मैं राष्ट्रीय जाट एकता संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और जो हमारा ये महाराज हैं, ये आज तक कभी किसी पे नहीं हारे, न मुगल हो, अंग्रेज हो, और इनके खिलाफ जो इस पिक्चर में ये बनावटी दिखाया है, ये 4 फुट का दिखा दिया है, हमारे महाराज 7 फुट के थे। तो इस पिक्चर की लक्ष्मी, कहीं ना कहीं हमारे साथ और भी कई लोग हैं, इन सबका आप एक एक ये कमेंट लेंगे। महाराजा सूरजमल 3600 कौमों के महाराजा हैं, और महाराजा सवाई सिंह हैं, जो कि आज तक अभी तक अगर अपन देखा जाए तो किसी भी राजा के पीछे सवाई सिंह नहीं लगाया, मतलब बहुत सेलेक्टेड होकर लगाया जाता है जो टाइटल, सवाई विजय सिंह, विजय सिंह, और वो आज उनको एक आप छोटा सा वो दिखा रहे हो, और आपने इतिहास पढ़ा नहीं, और आपने मतलब एक बच्चे को आज हमारे समाज आगे का आप क्या? चलिए देवेंद्र, मैं आपके पास लौटती हूँ। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, हमने लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखा है, आक्रोश है, कह रहे हैं कि सूरजमल को जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया है वो गलत है, उनको लालची बताया गया है, छोटे कद का दिखाया गया है, इस तरीके से उनका जो अपमान किया गया है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गजेंद्र चौहान जी मेरे साथ जुड़े हैं। गजेंद्र जी, मुझे बताइए कि इस तरीके की फिल्मों को बनाने का मकसद क्या होता है? लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, आपने सुना अनुराग जी ने भी ये कहा कि देखिए ये फिल्में कहीं ना कहीं ये होता है कि पब्लिसिटी के लिए बना दी जाती हैं। क्या ऐसी चीजों से बचना नहीं चाहिए फिल्मकारों को? लोगों की भावनाओं का नहीं ध्यान रखना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए देखिए, अपनी बात कहने का हर एक को अधिकार है, लेकिन वो जो बात आप कह रहे हैं वो कितने तथ्य हैं उसमें, ये जानना बहुत जरूरी है। जी। मैं इस पूरे प्रकरण में सेंसर बोर्ड को भी कटहरे में खड़ा करता हूं। जी।
मैंने पहले भी कहा था पद्मावत के समय कि सेंसर बोर्ड के अंदर कुछ ऐसे इतिहासकार होने चाहिए जो वहां पे मेम्बरान हैं, जो तथ्यों को सामने लेकर आए और उन तथ्यों के आधार पर कोई भी फिल्म को सर्टिफिकेट दे। लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें, जैसे इस फिल्म में भी हुआ, पद्मावत में भी हुआ, अब ये जो महाराजा हुए, महाराज सूरजमल जी है, ये हमारा, हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा अस्तित्व जो है इन्हीं की बदौलत है। आज ये लोग थे तो हम लोग हैं, अब उनका अपमान कैसे सहेंगे? और जब भावना इतनी आहत हो जाती है हद से ज्यादा, तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाती है, और वो क्रोध जो है कुछ भी कर सकता है। ये जो पूरा जीता जागता उदाहरण है इस समय, लोगों को लग रहा है कि हमारे पूर्वजों का अपमान हुआ है, और अगर डेफिनेटली तथ्यों के आधार पर ये चेक किया जाए हुआ है, तो इनका क्रोध जो है वो जायज है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि फिल्मकारों से भी, सेंसर बोर्ड से भी, कि किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट देने से पहले तथ्यों का जानना बहुत जरूरी है, उनको चेक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सिनेमा का जो है हमारे भारतवर्ष में हर नागरिक के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। निश्चित तौर पर सर, आप जैसे कि इसको सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया नहीं समझ सकते। जब ऐसी स्थिति में, जब आप किसी महान पुरुष पर ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, किसी एक ऐसे व्यक्ति पर फिल्म बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व रहा है, इंफॉर्मेशन है, हिस्ट्री है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आ रही हूँ सर। वही मैं कह रहा हूँ कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वही मैं बोल रही हूँ। जयंतीलाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयंतीलाल जी, इतिहास क्या कहता है सर इस पूरे मसले पर? बेशक हम लोग सभी जानते हैं सूरजमल जी के बारे में, लेकिन आप बेहतर समझा पाएंगे। मूवी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है और जो प्रेजेंट किया गया है सूरजमल को, उसमें डिफरेंस आप बेहतर समझा पाएंगे सर। देखिएगा, मैंने कई बार ये महसूस किया, मैं महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को बताऊं उससे पहले बॉलीवुड का इतिहास ये रहा है कि वहाँ पर कुछ षड्यंत्रकारियों की गैंग हैं जो इतिहास के पात्रों को, चरित्र पात्रों को बर्बाद कर रही है, तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है। उनका मोटो सिर्फ इतना है हमारे आत्मगौरव को या राष्ट्र गौरव को नीचा दिखाना। अब उनको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाराजा सूरजमल जो सिर्फ जाट समुदाय के लिए नहीं, राजस्थान के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए राष्ट्र गौरव, राष्ट्र प्रेरणा का विषय है, पहली चीज तो ये। इसलिए ऐसे चरित्र पात्रों के बारे में जो कुछ भी गलत किया जाता है, उसका पनिशमेंट फिल्म निर्माता, निदेशक और उसके फाइनेंसर, जो भी उस टुकड़ी में लगे हुए हैं, उस गैंग में जो सक्रिय है, सबको पेनालाइज किया जाए। और ये पेनालाइज कैसे हो, इस फिल्म को या कोई भी ऐसी फिल्म जब बनती है उस पर राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में बैन कर दिया जाए, और आर्थिक लॉस होगा। उसी दिन इनको समझ में आएगा कि इतिहास मनोरंजन का विषय नहीं है, सबक लेने का विषय है, प्रेरणा लेने का विषय है। एक सवाल मेरा आपसे और है, छोटा सा सवाल है मेरा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी फिल्मों का विरोध होना चाहिए, लेकिन जो विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या ये विरोध होना चाहिए? क्या सड़कों पर संग्राम होकर ये तय हो जाना चाहिए कि क्या चलेगा क्या नहीं? अगर सर सड़कों पर ही तय होगा तो सेंसर बोर्ड खत्म करा देते हैं। मैडम मैं आपको बता दूं, चूंकि विरोध करना लोकतंत्र में हर नागरिक का अपना अधिकार है, इसमें कोई उसको नकार नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी बात, विरोध का जो तरीका है वो लोकतांत्रिक हो तो ज्यादा उचित रहता है, ये भी एक सत्य है जिससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। महिपाल जी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं इसी का जवाब उनसे लेती हूं। गवर्नमेंट चाहे महिपाल जी कर दे और विरोध को रोक भी सकती है। विरोध होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, होना चाहिए। मंत्री करने सड़कों पर संग्राम के जरिए, संघर्ष के जरिए ये तय नहीं होना चाहिए कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसा कि महिपाल जी ने, आपने सुना होगा जयंतीलाल जी को, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विरोध होना चाहिए, सबका अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। आप सिनेमा घरों के बाहर तोड़फोड़ करते हैं, आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, रोड जाम कर देते हैं, सड़क पर तो तय नहीं होगा ना सर। कानूनी प्रक्रिया है, आप सेंसर बोर्ड के पास जाइए, कानून को अपनाइए, उसके बाद इसको बैन कराइए। लक्ष्मी जी, मैं आपको बताऊं, हर शुक्रवार को 5-7-10 फिल्में तो रिलीज होती होंगी। क्या प्रदेश और देश का नौजवान यूं ही सड़कों पे निकलता है? आज की तरह जब चाहे जोधा अकबर हो, चाहे पद्मावत हो, अभी ये जो पानीपत फिल्म आई है, ऐसी फिल्में जिनमें हमारे जो पुरोजा हैं
महाराजा सूरजमल जी की जो देखिए आशुतोष गोइरकर को ये पता ही नहीं है कि महाराजा सूरजमल जी क्या थे, क्या उनका इतिहास रहा है, ये तो एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ज्यादा लग रहा है, फिल्म कम थी, पर सड़कों पे निकलना हमारी मजबूरी हो गई, हम शौक से नहीं निकले थे, और आंदोलन जो हमने छेड़ा है आज जयपुर जो प्रदेश की राजधानी और तमाम जगह वो लोकतांत्रिक तरीके से हमने प्रोटेस्ट किया है। रही बात महाराजा सूरजमल जी की जिनके बारे में ये दिखाया गया, आज भी गांव गली में हमारी औरतें हमारी माँ बहन है जब वीर पुरोधाओं की गाथाएं सुनाती है तो वे कहती हैं कि झुक गए मराठा झुक गए मुगल झुक गए गगन सारा, जो कभी ना झुका वो वीर महाराजा सूरजमल था हमारा, ऐसे अजय योद्धा के बारे में आप उसको लालची दिखा के और किस तरीके से उनको प्रसारित और प्रसारित किया गया है, पूरे प्रदेश और देश का नौजवान आज सड़कों पे निकला है और कल आप देखना इसे बड़ी तादाद में मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, विरोध मत करिए, मेरी बात को फिर आप सुनिए, मैंने कहा विरोध का तरीका सही होना चाहिए, सड़क पर संघर्ष तय नहीं कर सकता कि क्या होगा क्या नहीं, सीएम ने खुद कहा ना सर, बातचीत की ना, कहा ना कि इस पूरे मामले को आप संज्ञान में लीजिए, आप सेंसर बोर्ड से बात करिए, जो सीन गलत है उनको कटना चाहिए, उसके बाद इसको प्रदर्शित होना चाहिए, ये सब हुआ ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि नहीं हम उसके बाद हम तय करेंगे कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, राज्य सरकारों को संवेदनशील सरकार और देश की सरकार को संवेदनशील सरकार होने का निर्णय लेना है, उनको तुरंत प्रभाव से इस फिल्म को बैन करना चाहिए, और तमाम तरह के सामाजिक संगठन, देखिए जाट समाज के पुरोधा हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे हम उनके वंशज हैं, पर 3600 बिरादरी के लोग, चाहे वो ब्राह्मण महासभा है, चाहे मेघवाड़ महासभा, चाहे मीणा गुजर राजपूत, सभी लोगों का ये रिएक्शन है कि इस फिल्म को तुरंत प्रभाव से सरकार को बैन करना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या जरूरत है मीटिंगों की, बाद में होती रहेगी ना, पहले एक निर्णय तो लें कि तुरंत रूप से इस फिल्म को बैन करें। उनका कहना है कि देखिए हजारों फिल्में ऑन एयर होती हैं शुक्रवार को, लेकिन अगर हम आज सड़कों पर हैं तो उसकी वजह है वो फिल्मकार जिन्होंने हमारी भावनाओं को आहत किया है मनोरंजन के लिए, इनके सवाल का जवाब दीजिए सर, ये दर्द है हमारा, गजेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको जी, आपने मुझसे पूछा, जी सर बोलिए, हेलो महिपाल जी के सवाल का जवाब चाहोगे सर, कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जी, वही दे रहा हूं मैं कि एक तो तथ्य रखना चाहूंगा, मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं मुंबई में बहुत वर्षों तक, 1200 फिल्में करीब करीब हर साल यहां बनती हैं, जिसमें से करीब करीब 120 फिल्में रिलीज होती हैं, जिसमें से हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल मैक्सिमम 5 फिल्में होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर एक बात दोहराना चाहूंगा कि किसी भी फिल्म मेकर को किसी भी समाज की किसी भी पंथ की किसी समुदाय की किसी समाज की भावनाओं को आहत करने का कोई भी अधिकार नहीं है। दूसरा कि कोई साहब कह रहे थे कि अभी एक षड्यंत्र है बॉलीवुड में, बॉलीवुड में कोई षड्यंत्र नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज है, मैं तो इसके आगे की बात करूंगा, ये फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हुई है या नहीं हुई है, लेकिन सर ये अगर सर इसके लिए जिम्मेदार तो कौन है, सेंसर बोर्ड के वो मेंबरान, एक सेकंड सर गजेंद्र जी, जब पास नहीं होगी तो रिलीज कैसे हो जाएगी, मैं आपसे कह रहा हूं कि फिल्म ऑलरेडी सिनेमाघरों में चल रही है, जिम्मेदार फिल्म मेकर हुआ या सेंसर बोर्ड हुआ, दोनों ही हुए ना सर, एक मिनट, वो संवैधानिक संस्था है उससे ये पास हुई है, आप सेंसर बोर्ड के ऊपर जो कोर्ट है आप जाइए उसमें, इसको रोक लगाइए, बैन लगाइए इसके ऊपर, सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या है सर, मैं नहीं नहीं है भाई, सभी जानते हैं आजकल, कोई ऐसा नहीं है, इतना सोशल मीडिया है कि आप सब जानते हैं, आप मैं कह रहा हूं कि आपका अधिकार नहीं, है फिल्म को रोकने का, क्योंकि आपके समाज के लिए कोई गलत बात कही गई है, लेकिन उसका रास्ता ये हो सकता है कि आप कानून का सहारा लें तो बेहतर होगा, कार्रवाई हुई है और मेरा नुकसान होगा, ये जितना भी नुकसान होगा ये आपको और मुझे ही भरना है, अनुराग जी नहीं जी बोल रहे हैं कि आप जाइए ना, तोड़फोड़ मत करिए ना, नुकसान तो आपका हो रहा है। सवाल करना चाहता देखिए दरअसल इस तरह की जो फिल्में हैं जी
ये फिल्में हालात ऐसे पैदा कर रही हैं कि हर जाति को अपना शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। कभी राजपूत समाज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, कभी जाट समाज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, अपनी राजनीति के लिए कर रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मैं गजेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, आज तक के रिकॉर्ड में क्या कभी नहीं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये शक्ति प्रदर्शन सर, ये शक्ति प्रदर्शन है। आप शब्द अपने वापस लीजिएगा, हर एक का अधिकार है। शक्ति प्रदर्शन पहले महिपाल जी ने मेरी बात नहीं सुनी, सही तो कह रहे हैं महिपाल जी, मेरी कह रहे हैं सर आप। नहीं नहीं अनुराग, महिपाल जी मेरी बात क्या कहा, गलत क्या कहा महिपाल जी, एक्सेप्ट करिए ना इस चीज को। महिपाल जी मेरी बात सुनिए, ये एक शक्ति प्रदर्शन है। हाँ, आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तभी तो दबाव बढ़ रहा है उनके ऊपर। आप पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपका शक्ति प्रदर्शन नकारात्मक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका शक्ति प्रदर्शन नकारात्मक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर मेरी भी भावना आहत होंगी तो मैं डेफिनेटली करूंगा, सही कर रहा है, लेकिन उसका रास्ता है। हम आपको ये कह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन, जयंतीलाल जी बोलिए सर, 10 सेकंड से बात रखिए। हम शोक से नहीं कर रहे हैं ये काम, हम शोक से नहीं कर रहे हैं। गलत प्रदर्शन करते क्यों हैं ये, हम शोक से नहीं कर रहे हो, आप शौक से नहीं कर रहे हो, आप मजबूरी में कर रहे हो जी। क्या ये पब्लिसिटी, क्या सर पब्लिसिटी इंस्टेंट के लिए किया जा रहा है ये, क्या पब्लिसिटी है? हमारे पूर्वजों का इतिहास है, इसको रुकवाइए और जब तक सारा क्लियर ना हो तब तक फिल्म को रिलीज मत होने दीजिए। नहीं, वो तोड़ फोड़ दे भाई, आपका और मेरा नुकसान है ना। जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, उसमें क्या गजेंद्र जी, आज तक जिन लोगों ने फिल्में बनाई है, इतनी विवादित फिल्में बनवाई है जिनसे इस राष्ट्र को नुकसान हुआ है, अगर किसी सिनेमा हॉल में टूट फूट होती है, किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो राष्ट्र हानि है, हम मानते हैं कि राष्ट्र हानि है, तो क्या आज तक कभी किसी फिल्म मेकर के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई है? पद्मावती के कारण इतना नुकसान हुआ, इतनी तोड़फोड़ हुई, क्या कभी कोई कार्रवाई हुई है? मैं एक पत्रकार के नाते आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें कोई प्रावधान है ऐसे सेंसर बोर्ड के, जिन लोगों ने इनको स्वीकृति दी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज करने का कोई प्रावधान है क्या? मैं इसी का जवाब लूंगी सर, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आप सभी मेरे साथ बने रहिए, मैं लगातार इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। और सवाल यही है कि जिन लोगों ने इस तरीके के कृत्य दिखाए हैं, जो दृश्य दिखाए गए हैं फिल्म में, क्या उनको इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि सड़कों पर तोड़फोड़, संघर्ष और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये कहां तक जायज है? क्या ये लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हो रहा है? क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है या फिर नहीं? छोटा सा ब्रेक, फॉर अ लॉट।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज बात हम कर रहे हैं पानीपत पर चौथी लड़ाई की। जी हाँ, तीसरी लड़ाई तो पहले ही लड़ी जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर से पानीपत की लड़ाई, चौथी जंग आज राजस्थान में देखने को मिल रही है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गजेंद्र जी, जैसा कि आरोप लग रहा है, क्या वाकई फिल्मकार जानबूझकर इस तरीके के कृत्य करते हैं पब्लिसिटी स्टंट के लिए, कि कुछ ऐसा डाला जाए जो खुद ही खुद प्रमोशन हो जाए मूवी का, जैसा पद्मावत में भी देखने को मिला और इसमें भी देख रहे हैं? सर, मुझे नहीं लगता। देखिए, इसका सही तरीका यह होता है कि फिल्मकार को जो है उस परिवार के उनके जो वंशज हैं उनसे जाके पहले मिलना चाहिए और तथ्यों को जानना चाहिए, ताकि तथ्यों के आधार पर कोई भी फिल्म बन सके और वही फिल्म जब उस समाज के सामने आए तो बातें सही निकले। ये क्या होता है जानबूझकर, तो मुझे नहीं लगता जानबूझकर होता है, अनजाने में होता है ये। अगर जानबूझकर किया हुआ तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? सेंसर बोर्ड का क्या दायित्व है? सेंसर बोर्ड का ये दायित्व है कि कोई गलत चीज, कोई गलत तथ्य जो है समाज में या पब्लिक में ना चला जाए। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूं, फिर आपसे दोहरा रहा हूं इसी बात को कि सेंसर बोर्ड के उन मेंबरान को उनको चेक करना चाहिए कि आपने ये फिल्म कैसे गलत तथ्यों के साथ पास की। और जहां तक देखिए, मैं उस हर समाज के साथ खड़ा हूं। पद्मावत में भी मैंने राजपूतों के साथ खड़ा था, आज फिर जाट समाज के साथ खड़ा हूं, और आने वाले समय भी अगर कोई फिल्म होगी जयंती लाल जी भावनाओं को आहत करेगी। आपने सुना गजेंद्र जी को, वो कह रहे हैं कि देखिए जानबूझकर नहीं किया जाता है, जैसा कि आपने कहा कि षड्यंत्रकारी वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जानबूझकर तो नहीं किया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फिल्म बनाने वालों को इतनी जानकारी नहीं होती कि हम क्या दिखा रहे हैं और असल में क्या है? यदि मैडम, मैं आपको बता दूं, यदि जानकारी नहीं है तो फिल्म नहीं बनानी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, इतिहास सबक सीखने का विषय होता है। पद्मावत में भावनाओं से खिलवाड़ हुआ, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ, विरोध हुआ, और उससे भी सबक नहीं लिया। सबक ये लेना था कि भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भावनाओं की दुकान है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि होता है जनता का मत, और जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है, अपना अतीत गौरव भूल जाता है, उसका भूगोल भी बिगड़ जाता है, ये भी फैक्ट है। तो इसलिए गजेंद्र जी से मेरा निवेदन है कि जब भी वो फिल्म इंडस्ट्रीज में जाए, संपर्क होता है आपका, वहां 2400 घंटे वहां रहना होता है, तो हमारा निवेदन ये है कि राष्ट्र के चरित्र जो है उनको गलत ढंग से पेश न करें, इतिहास की बातों को मनोरंजन का विषय या व्यवसायिकता का विषय न रखें, वो प्रेरणा का विषय है, राष्ट्र गौरव का विषय है। इसलिए मेरा निवेदन ये है, जानबूझकर के करते हैं ऐसा ताकि लोग उसके विषय में जागरूक हो या उसके विषय में जानने के लिए लालायित हो और व्यवसायिकता उनका धंधा चले, लेकिन हम दर्शक उस फिल्म को नहीं देखेंगे। दर्शकों ने तो बायकॉट कर लिया, और जिनको इतिहास मालूम है लोग भी उस फिल्म को बायकॉट करें, पूरे भारत से बायकॉट होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए सर जवाब दीजिए, ऐतिहासिक किरदार किए हैं जिंदगी में, मेरे किसी भी धारावाहिक पे या किसी भी फिल्म पे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, क्योंकि ये कलाकार की भी ये जिम्मेदारी होती है कि कोई गलत चीज जो है उसके मुंह से जो है समाज के बीच ना जाए, उसे ही खुद ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए। लेकिन यहां तो क्या, कलाकारों ने काम किया, लेखक ने लिखा, निर्देशक ने निर्देशित किया, उसके बाद सेंसर बोर्ड में फिल्म गई और सेंसर बोर्ड से भी पास होके समाज के बीच आ गई, और फिर भी उसमें गलत बात है। तो ये सारे के सारे लोग जो है, मेरा मानना है ये सबके सारे इस चीज के जिम्मेदार है और इनको सबको जो है पिनलाइज होना चाहिए। अनुराग जी, आज दिन हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या इसका समाधान ये है कि सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए इस तरीके की, कि कोई भी अगर हिस्टोरिकल कोई मूवी बन रही है तो उस कमेटी को एक बार दिखाया जाए, क्या ये समाधान हो सकता है इन तस्वीरों के लिए? ब्रेक लग सकता है ऐसी तस्वीरों पर इसके बाद? मैंने आपसे कहा कि सेंसर बोर्ड के अंदर वो इतिहास ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि सेंसर बोर्ड, एक मिनट गजेंद्र जी, मेरे से पूछा गया है, मैं ये कह रहा हूं सर कि जो भी फिल्म आती है, ना सिर्फ हिस्टोरिकल फिल्म हो बल्कि और भी कोई फिल्म, हम सिर्फ हिस्टोरिकल पर जब हमारे किसी पूर्वज के ऊपर कोई आरोप लगता है तो हम भड़क जाते हैं, जब दूसरी तरह की जो फिल्में आती है तो समाज को कोई संदेश नहीं दे रहे, अश्लीलता परोस रही है, उनको भी पहले देखना चाहिए कि हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में फिल्म चलने के लायक है या नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने जनता की जो भावना है उसके हिसाब से बात कही है, तो उनको एक कमेटी बना देनी चाहिए, एक स्थायी कमेटी बना देनी चाहिए जो ये तय करे कि ये सेंसर बोर्ड से स्वीकृति के बाद भी हमारे स्टेट में चलेगी या नहीं चलेगी। उससे एक ऑप्शन तैयार हो जाएगा कि हम ऐसी फिल्मों को पहले ही रोक लेंगे, इस तरह के जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो रुक जाएंगे स्वयं। ठीक है, एक मेरा सवाल गजेंद्र जी से रह गया था, मैं करना चाहूंगा बाद में।
सर मैं अभी लौटूंगी। महिपाल जी जल्दी से बात रखिए, मेरे सहयोगी भी जयपुर से मेरे साथ जुड़े हैं, वहां पर क्या इस वक्त चल रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो जानूंगी, लेकिन पहले अपना कमेंट दीजिए। लक्ष्मी जी मैं ये कह रहा हूं कि सरकार में बैठे हुए जो जाट समाज में जरूर पैदा हुए हैं महाराजा सूरजमल, परंतु उनकी छवि पूरे हिंदुस्तान में एक अजय योद्धा और हिंदू सम्राट के रूप में जानी जाती है। सरकार में बैठे हुए बड़े मंत्री चाहे वो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हैं, चाहे गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, चाहे लालचंद जी कटारिया हैं, उन तमाम पेश लग रहे हैं। महिपाल जी ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसको जाट नेता के रूप में पेश ना करें, जाट राजा के रूप में पेश ना करें। मैं कह रहा हूँ हिंदू सम्राट के रूप में उनकी एक धरोहर है, हमारे आप जाट जाट कहकर के संबंध रखो, एक क्रिमिनल लेके जा रहे हैं। जाट की बात नहीं, राजस्थान के पुरोधा है। मैं महाराणा प्रताप को आप किसमें मानेंगे, जाट में मानेंगे, राजस्थान महाराणा प्रताप थे जिस घर में पैदा हुए एक साथ हो गए, जाट सेना जिस घर में वो पैदा हुए जाट सेना कर रही है ना, ये सेना ही काम कर रही है। मैं महिपाल जी एक चीज समझ लीजिए, ना है करनी सेना की करनी से देश चलेगा, ना ही जाट सेना के दबाव से देश चलेगा, कानून से चलेगा, कानून के तरीके से सर हर चीज का सोल्यूशन होगा। आप ये सोचिए कि अपना शक्ति प्रदर्शन करा के कुछ हो जाएगा, नहीं सर, आप ये केवल राजनीतिक तरीका नहीं है। सूरजमल जी आप ये अपनी संपत्ति नहीं है। विष्णु शर्मा इस बीच जयपुर से मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी। एक सेकंड सर, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। विष्णु, इस वक्त जयपुर में आप क्या हालात देख रहे हैं, क्या प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या बैन लगाने के कोई संकेत मिल रहे हैं इस मूवी पर? बिल्कुल लक्ष्मी, मैं आपको बता दूं कि आज दिन भर जयपुर में प्रदर्शन रहा। आईनोक सिनेमा है वैशाली नगर में, वहां तो तोड़फोड़ भी की गई, और उसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई और गृह विभाग स्तर पर इस बारे में दो बैठकें ली गई। पहली बैठक में ये तय किया गया कि किस तरह से इस पे विचार किया जाए कि जो हालात है उसे कैसे निपटा जाए। ACS गृह राजीव स्वरूप ने पुलिस अफसरों और उनसे चर्चा की। दूसरी बार शाम को जो फिल्म के वितरक हैं यहाँ पर KD मिश्रा, उनसे ACS गृह ने लंबी बात की, और बात करने के बाद उनसे कहा गया कि भाई आप जो फिल्म वितरक जो निर्माता हैं उनसे बात करेंगे, और उसके बाद इस फिल्म पर बैन भी लगाया जा सकता है या राजस्थान में प्रदर्शन रोका जा सकता है इस फिल्म का, इस पूरे आंदोलन को देखते हुए। और इसी तमाम चर्चाओं को लेकर जो ACS गृह है उन्होंने मुख्यमंत्री जो के विशेष सचिव हैं कुलदीप राका, उनसे भी बात की है। और इसके अलावा एक बात और बता दूं कि आज मानसरोवर थाने में भी कुछ युवकों ने फिल्म निर्माताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, और अभी मुकदमा हालांकि दर्ज नहीं हुआ, परिवाद दिया है और परिवाद की जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी चलिए विष्णु मेरे साथ रहिए, देवेंद्र भरतपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, क्या वो कहना चाहते हैं? देखिए सरकार पूरे मामले पर बेहद संवेदनशील नजर आ रही है, पूरे मामले को गहनता से संज्ञान में लिया गया है, ACS होम से भी बात की गई है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लीजिए, तब तक उन लोगों से भी बात कीजिए जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे भी बात करिए कि क्या कुछ इसमें समस्या आ रही है, कहां वो सीन है, उनको काटा जाए, सेंसर बोर्ड से भी बात की जाए, क्या कुछ कहना है देवेंद्र लोगों का? देखिए लक्ष्मी, मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद जो भरतपुर राज परिवार के सदस्य चौदहवीं पीढ़ी के सदस्य विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने आज जब पब्लिक को प्रोटेस्ट को एड्रेस किया था तो उन्होंने ये कहा कि लोग कानून हाथ में ना लें, और कानून हाथ में नहीं लेने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि लोग कानून हाथ में नहीं लगे, किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करें। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए, या सड़क पर जिस तरह तोड़फोड़ हो रही है वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। महाराज साहब ने आज बोला था कि सभी शांति से करें, और हमने मतलब कानूनी लड़ाई कल वकीलों से बात कर ली, और जो भी आगे कल होगा हम आपको पूरी रणनीति बता देंगे, और शांति से सारे पूरा अपन विरोध करेंगे, उसमें कोई आप अपना कानून हाथ में ना लें। ये बताइए आप किस तरह लड़ाई जिस तरह जयपुर में हुआ उस तरह आप जैसे आज विश्वेंद्र सिंह जी ने कहा कि कानून हाथ में नहीं लिया जाए, लोगों को संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाए। बिल्कुल सही कहा महाराज साहब ने, जैसा आदेश किया है अभी उन वकीलों से और सलाह लेकर केस करके उनके ऊपर जैसा भी उनका आदेश होगा, उन्होंने बोला है कि मैं अग्रिम सूचना दे दूंगा, हमारा सबके साथ है, भरतपुर की आन बान शान हमारे लिए विश्वेंद्र सिंह जी हैं हमारी, और उन्हीं की चौदहवें पीढ़ी उन्हीं की है, तो हमारा सबके साथ है, ये हमारा लोहागढ़ है, अजय दुर्ग है, और एक कहावत जो चली आ रही है कर दे चढ़ाई दिल्ली पे, वो वीर श्रोणी महाराज सूरजमल की तरफ से ही आ रही है, ये इससे पहले कभी कुछ नहीं था।
ये कहावत यहीं से है। तो देखिए लक्ष्मी, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मामले में यह है कि विश्वेंद्र सिंह ने स्पष्ट तौर से कहा है कि लोग कानून को हाथ में नहीं लें, वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए उनकी जो पूर्व पर्यटन मंत्री रही कृष्ण कौर दीपा, वो भी आज उन्होंने भी मन साझा किया। तो निश्चित रूप से परिवार के लोग एक साथ एकजुट होकर इस पूरे फिल्म के खिलाफ है और लगातार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात सामने आ रही है। या तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार में रह के भी मुख्यमंत्री को इस पूरे जो लोगों की भावनाएं उनसे अवगत कराया। निश्चित रूप से इस फिल्म पे राजस्थान में बैन लग सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अपने धैर्य को बनाए रखें और उनके अगला जो आदेश है या अगला फरमान है उसका इंतजार करें और किसी भी तरह की लोगों को कोई असुविधा ना हो और कानून हाथ में ना लें। जी देवेंद्र, मेरे साथ रहिए। कानून हाथ में ना लिया जाए, महिपाल अगर आप सुन रहे होंगे तो शायद ये बात आपके कानों तक पहुंची होगी। विश्वेंद्र सिंह ये खुद कह रहे हैं, क्योंकि वो तो उनकी 14वीं पीढ़ी के सदस्य हैं, विरोध वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से हो। जो आज सिनेमाघरों के बाहर तोड़फोड़ की तस्वीरें आई वो सामने नहीं आनी चाहिए। जी आप, मैं जवाब दूं? जी हेलो। हाँ लक्ष्मी जी, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार कुछ करे नहीं और सरकार में बैठे हुए लोग निंदा के लिए कुछ करे नहीं। नारेबाजी तो सब होगा क्या? आपको दिखाई नहीं दिया कि सरकार ने एसीएम से बात की है? सर, एसीएस होम से बात की है बाकायदा। इस पूरे मामले को लेकर विश्वेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वकीलों से बात की गई है। एसीएस होम, मैं कह रहा हूँ 3 दिन हो गए हैं, सरकार 10 दिन निकाल देगी बात करने आपको में। आपको क्या लगता तो क्या है? हो जाएगा? लोग तो देख रहे हैं सरकार के कुछ नहीं करने से, सब होगा आपके करने से सब कुछ हो जाएगा। हमारी ये मांग है तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार को, संवेदनशील सरकार का परिचय देना चाहिए था, आप लोगों को मामला दर्ज करवाना चाहिए था। आप लोग क्या कर रहे थे? अनुराग जी, मेरा एक सवाल है। अरे सर, अदालत की कार्रवाई अलग, हम जा रहे हैं। आप लोगों को मामला दर्ज करवाना चाहिए था सर, आपको भी तो मामला दर्ज करवाना चाहिए था। आप जा रहे हैं, आप जा रहे हो, सरकार भी तो कर ही रही है सर, आपको इंतजार करना चाहिए। आपको धैर्य रखना चाहिए महिपाल जी, सरकार के स्टेप बाय स्टेप का आपको रिजल्ट देखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तोड़फोड़ जो है वो जाएंगे हम लोग, किसी भी एक सेकंड करना किसी चीज का विकल्प नहीं है। ये गांधी का देश है, गांधीगिरी से चलेगा। अनुराग जी, हम अक्सर देखते आए हैं, मैं एक जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार नेशनल स्पोक्सपर्सन हूं, तोड़फोड़ के पक्ष में नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि तोड़फोड़ से किसी समस्या का समाधान हो सकता है। हम तो कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं जिन्होंने ये किया है। जयंती लाल जी बोलिए सर। मैडम, सीधी सी बात ये है कि कानून हम हमारे हाथ में नहीं लेना और लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन मान सम्मान की रक्षा करना तो हमारे हाथ में है। उसको बचाने के लिए यदि विरोध हो रहा है, ये उग्र विरोध क्यों हुआ? अब महाराजा सूरजमल जी का विराट चरित्र, उस विराट चरित्र को जो गलत ढंग से पेश करके लोगों के बीच में नकारात्मक छवि बनाई, उससे जो हानि होगी, जो नुकसान होगा उस कैरेक्टर को, उस महान चरित्र को, बैन लगाने तक जितने 10-15 दिन में जो लॉस होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? अच्छा, सवाल सबसे बड़ा ये है। दूसरी बात, जिस आईनॉक्स का कांच आपने तोड़ा है, जिसमें वो आईनॉक्स का वो कांच किसी के जाके सिर में लग जाता तो उसका नुकसान का कौन भरपाई करता? सर, देखा नहीं था पद्मावत मूवी के विरोध में क्या हुआ था? भरपाई किसने की थी उसकी? मैं किसी भी प्रकार के हिंसक प्रदर्शन का विरोध करता हूँ, मैं हिंसक प्रदर्शन का विरोध करता हूं। अनुराग जी, आपको निवेदन करो, विरोध करना लोकतंत्र में हर नागरिक का हक है, लेकिन तरीका थोड़ा सा तरीका उसका होना चाहिए ना सर। जब लोकतांत्रिक तरीके से आप अपने हक की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से ही वो तरीका अपनाना चाहिए। गेट के आगे बैठ जाइए, टिकट खिड़की के आगे बैठ जाइए, सब कुछ करिए, लेकिन आप उसको बंद। सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, सरकार क्या कर रही है वो कोई नहीं बता रहा। महिपाल जी, मैंने आपको चरणबद्ध जानकारी दी, अगर आपको जानकारी समझ में नहीं आई तो कहीं मैं फिर से बताऊंगा सरकार क्या कर रही है। उसके लिए आप सरकार महिपाल जी कोरी पॉलिटिक्स से पब्लिसिटी स्टंट से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। अगर वाकई इतना आपको हो रहा है, भावना हाथ हुई है, तो उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं भी इस बात का जिक्र कर रही हूँ लगातार कि विरोध होना चाहिए, लेकिन आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। आपको कितनी बार समझाया जाए कि सरकार ने इस पूरे मामले पर बता रही हूँ सर, सुन लीजिए, अगर जानकारी नहीं है तो मुझसे लीजिए सर, सुनिए जरा, पूरी बात को सुनिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। सरकार ने एसीएस होम से साफ बात की है, अभी हमारे चैनल पर भी उनकी बात हुई, साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए इस पूरे मामले को संजीदगी से सामने अपने उसमें लीजिए
जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे बातचीत कीजिए, जो भी सीन ऐसे हैं जिसको लेकर लोगों की भावना आहत हो रही है उन पर कहीं ना कहीं गौर किया जाएगा, सेंसर बोर्ड से बात की जाएगी, उनको काटने का जिक्र किया जाएगा, उसको एक बार दिखाने की बात की जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो बैन भी किया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एक शीशा हाथ तोड़ दिया, तीन शीशे हम कल तोड़ देंगे, ये हमारा प्रदर्शन होगा और इससे मूवी बैन हो जाएगी, तो सर मेरे हिसाब से ये संभव नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो, क्या मैं गलत हूँ गजेंद्र जी? कोई पक्ष में नहीं है लक्ष्मी जी, तोड़ फोड़ के पक्ष में नाम कल थे। मैं इसमें गजेंद्र जी बोलिए सर, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा लक्ष्मी जी। जी जी लक्ष्मी जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, महाराजा सूरजमल जी जो हैं वो सिर्फ राजस्थान की आन बान शान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान। बिल्कुल है सर, उनके ऊपर कोई भी धब्बा आएगा, उनकी आन बान शान पे कोई भी धब्बा आएगा तो हम सब हिंदुस्तानियों के लिए वो धब्बा है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये तीन दिन से कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही सरकार, अरे भाई आपने क्या किया? आप कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं 24 घंटे, आप जाइए केस दायर कीजिए, आपने क्यों नहीं तीन दिन से केस दायर किया? और फिल्म सिर्फ राजस्थान में बैन होने से काम नहीं चलेगा, पिक्चर को रोकना है तो पूरे हिंदुस्तान में रोक लिया, और वो हो सकता है कानून के रास्ते से, कानून का रास्ता आपके लिए खुला है जो लोकतंत्र में विरोध के तरीके के रूप में किए जाते हैं। गजेंद्र जी हमने उन सारे तरीकों को अपनाया जो लोकतंत्र में विरोध के लिए अपनाए जाते हैं। प्रदेश में ऐसे जो फिल्मकार हैं, एक मिनट महिपाल जी मेरी बात होने दीजिए, इस तरह के भाई कानून के दरवाजे भाई साहब आपके लिए खुले हुए ना, जाइए कानून के दरवाजे में, देखिए जो भी रिजल्ट आएगा वो सबके लिए रिजल्ट आएगा। फिर सर बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो हमने जनता से पूछा, उसका जवाब सरकारों को भी मामला दर्ज करना चाहिए, समय बहुत कम है। मैं एक सेकंड लक्ष्मी, एक सेकंड मेरी बात। जी 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 मैं कह रहा हूँ, ऐसे फिल्मकारों के खिलाफ भी केस सरकार को दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तरीके से विरोध भी होना चाहिए। महिपाल जी से लगातार इस बात का जिक्र किया, बेहद महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो जनता से हमने पूछा, उसका जवाब क्या आता है कोर्ट में? जनता की राय बहुत मायने रखती है, जरा सवाल का जवाब सुन लीजिए। महापुरुषों का गलत चित्रण करने वाली फिल्मों पर क्या प्रतिबंध लगना चाहिए? 91% लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर, 91% लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर ऐसी फिल्में बैन होनी चाहिए जिन पर लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। 9% लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, यानी ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगना चाहिए जो आए दिन बखेड़ा खड़ा करती हैं, लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं, और ऐसे सीन पर फिल्मकार से लेकर चाहे वो सेंसर बोर्ड हो, चाहे फिल्म बनाने वाले हो, उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही उस मूवी को धरातल पर उतारना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज भी विरोध की तस्वीरें सामने आई, उम्मीद करते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध होगा। जिन चित्रों पर लोगों को एतराज है, जिनकी भावनाएं आहत हो रही है, उनको हटना चाहिए, और आगे से फिल्मकारों को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।